हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लाया हूँ थ्री मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग टायर पंचर। तीन मेथड जो है टायर पंचर रिपेयर की है, वो तीनों मेथड हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि मैंने एक पंचर स्कैम का वीडियो बनाया था। पंचर स्कैम के वीडियो में मैंने बताया था कौन से टाइप के पंचर स्कैम होते हैं। काफी लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि मैं अभी डरता हूँ पंचर वाले के पास जाने से, सो मुझे ही आप सिखा दो कैसे टायर पंचर रिपेयर करना है। तो दोस्तों, साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे पंचर को रिपेयर कर सकते हैं। तीन मेथड है पंचर रिपेयर करने की, जिसमें पहली मेथड जो है वो काफी सिंपल मेथड है, जिसे आपने देखा भी है और आप उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। बाकी की जो दो मेथड है वो प्रोफेशनल के थ्रू ही करनी होगी आपको, बट आपको मैं गाइड कर सकता हूं कि आप प्रोफेशनल को कैसा गाइड कर सकते हैं। काफी राइडर्स लेह लद्दाख ट्रिप जाते हैं, स्पीटी जाते हैं, काफी एडवेंचर डेस्टिनेशन पे जाते हैं। अगर वहां पे आपके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और पंचर में कहीं बड़ा बोल्ट घुस जाता है और पंचर वाले को अगर समझ नहीं आता है कि इसे कैसा रिपेयर करें, इस वीडियो में बने रहे, आपको मैं सब टेक्निक्स बताऊंगा कैसे कैसे पंचर मेथड्स हैं। उस मेथड को देख के आप पंचर वालों को भी गाइड कर सकते हैं कि कैसा आपके गाड़ी का पंचर रिपेयर करना चाहिए। हाल ही में मेरा एक दोस्त है प्रणव, वो लेह लद्दाख गया था। लेह लद्दाख में जाते वक्त उसके गाड़ी में काफी बड़ा सा, ये देखो, ये काफी बड़ा सा बोल्ट उसके बाइक में चला गया था। दोस्तों, प्रणव का ट्रिप स्पॉइल हो गया था इस पंचर की वजह से, क्योंकि उसे कोई अच्छा पंचर रिपेयर करने वाला बंदा नहीं मिला। सो ये जो वीडियो है ये आपको गाइड करेगा कि आप कैसे पंचर वाले को गाइड कर सकते हो कि पंचर कैसा रिपेयर हो सकता है उस टाइप का। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। थ्री मेथड्स है। पहला मेथड जो है जिसे हम फिलर मेथड कहते हैं, रस्सी आपने देखी होगी पंचर रिपेयर करते वक्त काफी पंचर वाले लोग यूज करते हैं, उसे हम लोग फिलर मेथड कहते हैं। तो देखते हैं फिलर मेथड। फिलर मेथड रिपेयर करने के लिए हमको पांच छह चीजों की जरूरत है। क्या क्या जरूरत है ये देखते हैं। ये दोस्तों पहला जो टूल है शार्प ऑब्जेक्ट, जहां स्क्रू या कोई निडल जाता है उसको निकालने के बाद में उसे बड़ा करने के लिए हमको ये शार्प ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ये दूसरा जो पंचर रिपेयरिंग टूल है वो जरूरी है, और यहाँ पे कटर भी लगेगा हमको, और यहाँ पे जो शार्प ऑब्जेक्ट अंदर कुछ टायर में घुस जाता है, जैसा स्क्रू घुस गया है या कोई शार्प निडल घुस गया है, उसको निकालने के लिए हमारे पास में कोई अच्छी चीज चाहिए जिसे हम खींच के निकाल सके। ये स्क्रू दिख रहा है आपको, स्क्रू को पहले लूज करके थोड़ा बाहर निकालना होगा, सो हम लोग ये जो पकड़ है पकड़ से खींच के निकाल पाएंगे। सो दोस्तों देखो, यहाँ से हम लोग ये जो शार्प ऑब्जेक्ट है उसी की मदद से उसको रोल कीजिए, थोड़ा ऊपर आ जाएगा जहाँ की आपको ग्रिप मिल सके, और इससे हम लोग खींच के इसे निकाल देंगे। ये देखो, ये निकल गया। तो ये स्क्रू है, ये स्क्रू काफी छोटा है, सो इसका होल है हमें बड़ा करना होगा। सो बड़ा, क्योंकि जो रस्सी होती है जिसे हम लोग फिलर कहते हैं वो काफी बड़ा होता है। ये देखिए, ये स्क्रू है और ये रस्सी है। रस्सी देखो काफी मोटी है, और जो स्क्रू गया था वो काफी पतला था। की जगह पे इस शार्प ऑब्जेक्ट को अंदर घुसाएंगे, शार्प ऑब्जेक्ट को अंदर डाल दिया है। शार्प ऑब्जेक्ट को अंदर डाल के थोड़ा घुमा रहे कि ताकि थोड़ा खड्डा बड़ा हो जाए, जो होल है वो बड़ा हो जाए। सुई होती है, ये बड़ी सुई टाइप का ये है पंचर रिपेयर टूल है। इसके अंदर हमको फिलर को डालना होगा, जैसा हम लोग सुई में दोरा डालते हैं वैसा ही ये फिलर को हम लोग उसमें से डालेंगे, और इसको मिडल में रखना है और दूसरे साइड से उसको बेंड करना है थोड़ा। देखो, हमने इसको बेंड कर दिया है। अभी हम लोग इसको डालेंगे जहां पे होल किया था उसके अंदर। सो ये देखो, ये थोड़ी ताकत लगानी होगी दोस्तों, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आप इस चीज को कर सकते हो, काफी इजीली कर सकते हो। ये हमने डाल दिया अभी इसको अंदर, ये अंदर चला गया। अभी हम लोग क्या करना है, सो जो पंचर रिपेयरिंग टूल है दोस्तों जिसको हमने अंदर डाला है, अभी इसको हम जोर से खींचेंगे। ये दोस्तों हम लोगों ने खींच लिया है इसको। अभी देखो यहाँ पे पंचर हो गया है रिपेयर। अभी ये पंचर रिपेयर हो चुका है, आप देख रहे हैं ये ऊपर में थोड़ा सा बचा हुआ है फिलर, जिसे हम कट कर देंगे। सो कट करने के लिए हमको एक शार्प नाइफ की जरूरत होगी, या कोई कटर या कोई भी एक शार्प चीज रहेंगी जिससे हम लोग काट सकते हैं, कैंची से काट सकते हैं, लेकिन ये जैसा कटर है ये कटर से हम लोग दोगे यहाँ से इसको काट देंगे। अभी ये लेवल हो गया। सो दोस्तों अभी देखेंगे, ये पंचर लीकेज नहीं है, आपने हम लोगों ने चेक कर लिया है। सो ये पंचर रिपेयर हो गया, ये जो था पहला मेथड था। तो ये सब टूल्स की जरूरत है, ये जितने भी टूल्स मैंने दिखाए ये सब आपके पास रहने जरूरी है। और एक एडिशनल टूल आपको रखना होगा, क्योंकि इसमें हम लोग जब पंचर रिपेयर करेंगे इसके अंदर हवा चली जाएंगी, हवा जाने के बाद में हवा भरनी होगी। सो एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर भी होना जरूरी है आपके पास में। मैंने एक दोस्तों पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर पर काफी अच्छा वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। सो ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर का एक वीडियो आप देख लीजिए कि उसके अंदर हवा कैसे भर सकते हैं। दोस्तों पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर काफी यूजफुल टूल है, आप उसे आपकी कार में रख सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। दोस्तों अगर आपको पंचर रिपेयर नहीं करना आता है तो आप वो टायर इन्फ्लेटर से हवा
हवा भर के एटलीस्ट नियरेस्ट पंचर वाले तक पहुंच सकते हो। सो दोस्तों सेकंड मेथड को हम लोग कहते हैं मशरूम पैच। ये है मशरूम पैच। मशरूम पैच मतलब क्या होता है, ये मेथड जो रिपेयरिंग की है इसे हम लोगों को टायर पूरा डिमाउंट करके अंदर से इस पंचर को बनाया जाता है। सो कैसे बनाते हैं ये देखते हैं अभी दोस्तों। ये एक प्रोफेशनल के थ्रू ही आप बना सकते हो, प्रोफेशनल के थ्रू ही इस पंचर को आप रिपेयर कर सकते हो। सो आप घर पे अगर आपके पास सारे टूल्स है तो इजीली आप रिपेयर कर सकते हो। ये जो टूल्स है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसके लिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस पंचर को आप घर पर रिपेयर करें। तो भी मैं अगर इनकेस आप कहीं अटक जाते हो और आपके पास में कोई प्रोफेशनल बंदा है उसको आप गाइड कर सकते हो, क्योंकि ये जो मशरूम पंचर है इसका नॉलेज काफ़ी पंचर वालों को नहीं है। सो दोस्तों मशरूम पंचर कब यूज़ होता है, आपके टायर में अगर पंचर है और वो पंचर लीकेज हो गया है सो आपको पंचर वाला क्या कहता है, वो कहता है आप ट्यूब डाल दीजिए, या वो क्या करता है जो रॉन्ग मेथड है पंचर के ऊपर और एक पंचर बना देता है। पंचर के ऊपर एक पंचर बन जाएगा तो पंचर का होल हो जाएगा बड़ा और टायर का परफॉर्मेंस हो जाएगा खराब, क्योंकि एक जगह पे अगर ज्यादा फिलर जमा हो जाते हैं कहीं ना कहीं टायर वो इम्बैलेंस हो चुका है सो कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशंस आएंगे। सो और वो सेफ भी नहीं है। अगर आपके टायर के अंदर पंचर कभी लीकेज हो जाता है या कभी बड़ा होल हो जाता है, जैसा इस बाइक में बड़ा स्क्रू गया था, ये प्रणव की गाड़ी थी जो प्रणव लेह लद्दाख लेके गया था, लेह लद्दाख में अगर उसे ये मशरूम पंचर मिल जाता सो उसकी ट्रिप स्पॉइल नहीं होती। सो दोस्तों ये जो मशरूम है ये बड़ी जगह को कवर करता है, ये अंदर से रिपेयर होता है। सो हम लोग इसको देखते हैं इसकी प्रोसेस कैसी है। तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पंचर हमें कहाँ बनाना है। हम लोग अब जा रहे हैं टायर खोलने के लिए। दोस्तों देखिए टायर ये मशीन पे खोलो तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मशीन पे बीडिंग वीडिंग डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। हम लोग देखो ये मशीन से ही टायर खोल रहे हैं, ये टायर खुल चुका है अभी, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके रखा था। देखो यहाँ पे जो फिलर है ये फिलर को हमको पहले निकालना होगा, क्योंकि यहाँ से पंचर था हमारा लीकेज। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कहाँ से पंचर लीकेज था, अभी हम लोग ये फिलर को निकालेंगे और जो होल है उसे थोड़ा बड़ा करना होगा। मशरूम का जो फ्रंट पार्ट है वो अंदर से आने वाला है सो उसे काफ़ी बड़ा थोड़ा बड़ा करना होगा। सो होल को हमने कर लिया है थोड़ा बड़ा अभी। हाँ दोस्तों ये जो मशरूम का जो ये पार्ट है ये अंदर में स्टिक होगा। सो ये अंदर में स्टिक होगा, वहाँ पे ग्रिप आना जरूरी है। अभी आप ये देख सकते हो ये जो टायर है ये टायर के अंदर अनइवननेस है। देखो ये आप दिख रहे ये ट्यूबलेस कोट है सो ये ऊपर नीचे है। इसके ऊपर अगर हम लोग मशरूम पैच को चिपका देंगे सो वो बराबर से पकड़ेगा नहीं उसे। सो इसलिए हमको थोड़ा वहाँ पे रबर ग्राइंड करना होगा। सो उसके लिए बफर हमको ज़रूरी है। दोस्तों ये है टायर बफर, ये एक मशीन है जो न्यूमेटिक मशीन है जिसके एयर पे चलती है, इससे हम लोग बफ करेंगे टायर को। कितना पार्ट हमको बफ करना है ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इसको मार्किंग भी कर लिया है। अभी यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे बफिंग। देखो ये मशीन के थ्रू हम लोग यहाँ पे बफ कर रहे हैं अभी। अब बफ हो चुका है, उसके बाद में हमको वहां पे लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लगाने के बाद में थोड़ा उसको सुखाना होगा सॉल्यूशन को, और यहाँ पे हम लोग अभी ये मशरूम के ऊपर जो स्टिकी पार्ट है वहां पे जो पेपर है उसे निकालेंगे। ये पेपर निकल गया है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग होल के अंदर डालेंगे, इसको दूसरी साइड से खींचेंगे। अभी इसको पूरा खींच लेने का है दोस्तों, ये दोस्तों हम लोगों ने इसको पूरा खींच लिया है, अभी थोड़ा ताकत से खींचना होता है। ये देखो हमने खींच लिया, अभी आप देखो ये अंदर से पूरा पकड़ लिया है। तो भी हम लोग क्या करेंगे, एक रोलर आता है, ये देखो ये रोलर है, रोलर से हम लोग उसके ऊपर घस के थोड़ा और उसको टाइट कर देंगे। सो दोस्तों ये देखो ये हो गया है मशरूम पंचर। अभी ये ऊपर का जो पार्ट है इसे हम लोग कट कर देंगे, ये ऊपर के पार्ट को कर दिया कट। दोस्तों ये हो गया है मशरूम पंचर रिपेयर। अभी हम लोग टायर को माउंट करेंगे और चेक करेंगे कि बराबर हुआ है कि नहीं, कोई लीकेज है क्या। टायर माउंट हो चुका, अभी टायर अभी चेक करेंगे पंचर लीकेज है क्या। दोस्तों ये परफेक्ट है। तो दोस्तों ये था मशरूम पंचर। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको वो कार के टायर में दिया है, आप उसे सेम चीज बाइक के टायर में भी कर सकते हो। सो दोस्तों बाइक के टायर में भी सेम ही प्रोसेस है, आपको थोड़ा ग्राइंड करना होगा रबर को, वो होल को थोड़ा बड़ा करना होगा और मशरूम को पैच को थोड़ा खींचना होगा। अगर बड़ा होल होता है इसमें भी दोस्तों अलग अलग साइज के मशरूम पैचेस आते हैं, ये थोड़ा थिक है, इससे भी पतला आता है, इससे और पतला भी आता है और इससे मोटा भी आता है। तो बड़ा कोई स्क्रू या बोल्ट अंदर घुस जाए टायर के सो हम लोग ये मशरूम पैच के थ्रू उसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड पंचर रिपेयर मेथड है पैचवर्क। ये पैच होता है
जैसा हमने मशरूम को लगाया था वैसा ही पैच लगता है, लेकिन उसे होल को हम बड़ा नहीं करते हैं, खाली वहाँ पे ग्राइंड करते हैं मार्किंग करके, थोड़ा ग्राइंड करके कि ये पैच बराबर से वहाँ पे चिपक सके। पैच पंचर कंपनी रेकमेंड क्यों नहीं करती है, क्योंकि क्या होता है जब टायर आपका रास्ते पे चलता है कभी उसमें अगर हवा कम हो जाए, सो ये पैच है इसके बीच में जो होल होता है वहाँ से एयर पास होती है, या कहीं ना कहीं जब वो टायर ऐसा ऐसा घूमेगा सो वहाँ पे पैच बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये सेफ मेथड नहीं है। अगर शार्प ऑब्जेक्ट घुस जाए टायर के अंदर सो काफ़ी लोग वहाँ पे पैच लगा के अंदर ट्यूब डालते हैं, सो उससे क्या होता है वो साइज़ का वो साइड का वजन काफ़ी बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे इतना बड़ा पैच कस्टमर ने लगाया था और उसका टायर वॉबल कर रहा था, अभी इतना बड़ा पैच, ये जो ट्रक के टायर रिपेयर पंचर का पैच है, इतना बड़ा पैच अगर आप कार के टायर में लगाओगे सो आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो टायर वॉबल करेगा क्योंकि बैलेंस अनइवन होगा। सो दोस्तों पैच हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ट्यूब डालने के पहले जहाँ पंचर हुआ था वहाँ पे पैच लगा के ट्यूब डालते हैं। सो वहाँ के जो तार होते हैं, क्योंकि ये स्टील बेल्ट रेडियल टायर्स होते हैं तो उसके अंदर स्टील कॉर्ड्स होते हैं, सो कहीं ना कहीं मॉइस्चर होके स्टील रस्टेड हो जाते हैं, स्टील जो कॉर्ड्स अंदर होते हैं सो वो बाहर निकलने के लिए ट्राई करते हैं, सो ये पैच वर्क वहाँ पे काम नहीं करेगा। आप एक तो आप खाली मशरूम पंचर या फिलर मेथड, ये दो सबसे सेफ जो है वो है मशरूम पैच, और सेकंड जो है वो है फिलर मेथड। सो फिलर मेथड दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था आप भी रिपेयर कर सकते हो, काफ़ी हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी वे है ये रिपेयर पंचर रिपेयर करने का। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। दोस्तों मैं काफी अच्छे अच्छे वीडियो पे काम कर रहा हूँ, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, और काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, टायर मेंटेनेंस के टॉपिक आने वाले हैं, व्हीकल मेंटेनेंस के टॉपिक आने वाले हैं, टायर रिव्यूज के टॉपिक आने वाले हैं, व्हीकल रिव्यूज के टॉपिक आने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियो आपको ये देखने मिलेंगे और काफी नॉलेज आपको मिलता रहेगा। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।